अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेलॉन स्टिक पे। बेसिकली मैंने टाइटल दिया था, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और टिप्स भी शेयर करूंगी और मेकअप के लिए, जो कि आपके लिए काफी वीडियो मेरी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रही मेरे पास क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक, जो कि 2 साल पुरानी है और इसकी हालत भी आप देख सकते हो कि कैप इसकी कैसे टूटी हुई है। और इससे पहले मैंने एक और क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक ली थी जब मैं सीख रही थी, तो उसको मैंने 6 महीने के अंदर अंदर ही, मुझे लगा कि एक्सपायर हो गई है, हालांकि वो एक्सपायर नहीं हुई थी। मुझे पता नहीं था, एक ट्रिक्स जो होती हैं वो मुझे नहीं आती थी, मेकअप की टिप्स कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे ही जल्दी जल्दी मेकअप डालते हैं ब्यूटी बॉक्स में, वो मैं अक्सर ऐसे डालते हुए कैप जो होती थी ना, वो हमेशा से खुली रहती थी या फिर गुम हो जाती थी। तो अंदर से जो मेरी स्टिक थी ना, वो ड्राई हो जाती थी। तो मुझे ऐसे लगा कि ये एक्सपायर होगी, क्योंकि वो लगाने में बहुत प्रॉब्लम करती थी, ब्लेंड नहीं होती थी। तो मुझे ये लगा कि एक्सपायर होगी। अब क्या होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप वर्क करते हो, किसी भी फील्ड में हो, जब तक आप उसको ज्यादा करते रहोगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको उसका आइडिया नहीं होगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो अब मुझे बहुत सारा टाइम हो गया है इसमें काम करते हुए, तो मुझे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसको अभी बताती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है, मैंने पंखा बंद किया हुआ है, पसीना आ रहा है, ताकि आप सब डिस्टर्ब ना हो। तो ये रही टीवी पेंट स्टिक, आप देख सकते हो, ये देखो। तो इस तरीके से, अभी तो खैर गर्मी है तो गर्मियों में इतना तंग नहीं करती, ब्लेंड हो जाती है, लेकिन फिर भी ड्राई स्किन वालों के लिए काफी ये मतलब डिस्टर्ब करती है। जैसे कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो ये इस तरीके से ब्लेंड नहीं होती। अब मैं आपको बताती हूँ कि ना, मतलब ब्लेंडिंग करने का जो इसका सही तरीका है वो क्या है। अब मेरे पास यहाँ पर है क्रिस्टीन का सीरम, और मैं बहुत सारी वीडियोज में बताती भी रहती हूँ, जो मेरी मेकअप के ट्यूटोरियल है उनमें मैंने बताया भी है, तो सोचा कि आज मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो मेरे पास ये क्रिस्टीन का सीरम है, ये आप देख सकते हो, क्रिस्टीन का सीरम है, और इसका जो है ना 1 ड्रॉप जो है ना, मैं इसमें ऐड करती हूँ। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, सर्दियों में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन गर्मियों में भी इसका 1 ड्रॉप इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद जो इसकी ब्लेंडिंग होती है ना, आपने एक दफा सिर्फ ट्राई करना है, और फिर आपने मुझे याद रखना है कि मैंने आपको कितनी अच्छी टिप दी है। तो अगर आपके पास ये वाला सीरम नहीं है, आप जो भी सीरम यूज करते हो अपनी स्किन के लिए, कोई भी सीरम आपके घर पर है, आप अपने मेकअप में जो भी यूज करते हो, आप कोई भी सीरम लेकर ना, अपनी टीवी पेंट स्टिक, अगर आपके पास क्रेलॉन नहीं है, कोई भी टीवी पेंट स्टिक आप यूज कर रहे हो, किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की यूज कर रहे हो, तो उसमें ना आपने ना एक ये ड्रॉप ऐड करना है। या तो जैसे आप अपनी स्किन पे लगाते हो ना स्टिक, इस तरीके से लगाई, अभी ना रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और मुझे जो है ना अपनी स्किन पे लगाना नहीं है, मुझे सोना है अभी, और इसलिए मैं अभी स्किन पे नहीं लगा रही। तो आपने जैसे ना ऐसे ऐसे हाथों पे लगाना है, ऐसे अपने फेस पे लगाना है, और इसके ऊपर ये देखें एक ड्रॉप लिया, और इसके बाद हमने लेना है ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर लिया और इसके साथ इसको ब्लेंड करना है। अब ये ब्लेंडिंग पता है कैसे होगी, जैसे आपकी लिक्विड फाउंडेशन होती है, जैसे कि ये मेरे पास मुसरत मिसबा की फाउंडेशन है, तो ये आपकी कोई भी स्टिक है ना, ये बिल्कुल लिक्विड फाउंडेशन की तरह बन जाएगी, और इतना इजीली मजे से ब्लेंड होगी ना, कि आपको इतनी अच्छी ब्लेंडिंग कभी भी नहीं मिलेगी। चाहे आप जितना भी उसको रगड़ते रहो ना, स्टिक को जितना रगड़ोगे ना वो उतरेगी, फाउंडेशन कोई भी है वो, उसको तो जाहिर से बात है ऐसे रब करने से वो उतरेगी। तो आपने इसको ऐसे ऐसे टैप करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, तो आप देख सकते हो कि कितना इजीली ये ब्लेंड होगी। ये अगर इसको मैं स्टिक से ना, स्टिक को डायरेक्टली ऐसे ब्लेंड करती हूँ, कभी भी नहीं होती। मैं उसको ऐसे 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 करती हूँ, तब जाके ब्लेंड होती है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैं अपनी आईब्रोज बनाती हूँ, आईब्रोज को शेप देती हूँ, और बहुत सारी वीडियोज में आपने अक्सर देखा होगा कि ना इस तरीके से ब्रश पे स्टिक ले रहे हैं या फाउंडेशन जो भी यूज कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से जो है ना अपनी आईब्रोज को शेप दे रहे होते हैं, जिनसे आईब्रोज जो है ना वो बहुत ही प्यारी और इनहेंस होकर दिखती है। और ये तो मैंने आपको काफी सारी वीडियोज में सिखाया हुआ भी है। तो अभी तो मैंने अपनी आईब्रोज को फिल नहीं किया, वो सिर्फ आपको एक जस्ट बता रही हूँ कि इस तरीके से जो लाइन होती है वो हम लगाते हैं।
ठीक है। तो ये जब बहुत ज्यादा ड्राई होती है ना, अभी तो इस पे सीरम लगा हुआ है तो इस वजह से ये थोड़ी इस तरीके से बहुत ही इजीली लग गई है। अगर आपके पास सीरम नहीं है, सीरम नहीं लगा हुआ, आपने ऐसे इसको इस तरीके से डायरेक्टली अप्लाई किया तो बहुत ही मुश्किल से मतलब ये अप्लाई होती है। अगर आप इसको इस तरीके से सीरम लगा के अप्लाई करते हो तो क्या होगा, इससे कि ना बहुत ही स्मूथली ये जाकर आपकी आईब्रोज को शेप देगी, ऊपर से भी और नीचे से भी बहुत ही इजीली शेप देगी और ब्लेंड बहुत ही इजीली हो जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप फिंगर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो और अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको ब्लेंड करना होता है। और दूसरी बात, मैंने आपको सीरम का बताया कि आपने सीरम का एक ड्रॉप ऐड करना है, तो अभी आपने वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो दूसरा ऑप्शन मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको बेबी ऑयल लेना है। बेबी ऑयल आप अपने पास लेकर रख ले। मेरे पास पहले बेबी ऑयल था, अभी मेरे पास नहीं है, बचा हुआ अभी था, मिल नहीं रहा, वरना मैं आपको उसके साथ ये ब्लेंड करके सब दिखाती। क्योंकि जब मेरे पास ये सीरम नहीं था तो इससे पहले मेरे पास यही टिप्स होती थी, यही ट्रिक्स होती थी, अपने मेकअप में इन सबको ऐड करती थी। और फाउंडेशन में भी विंटर में ये होता है कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेरी फाउंडेशन है स्टिक तो ब्लेंड ही नहीं होती और जो फाउंडेशन है वो बहुत ही मुश्किल से ब्लेंड होती है, मतलब कि ना ऐसे क्रैक पड़ जाते हैं और ऐसे ड्राई ड्राई सा फील होता है। तो उसमें भी मैं अपना एक ड्रॉप ऑयल का ऐड करती थी अपनी फाउंडेशन में, तो जिससे बहुत ही फ्लॉलेस और स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ आपको, आपने ट्राई जरूर करना है। बात तो क्लियर होगी कि अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप बेबी ऑयल यूज कर सकते हो। डरने वाली बात नहीं है कि ये चीजें तो हमारे पास है ही नहीं और मैं क्या बता रही हूँ। तो अगर आपके पास ये घर पर नहीं है तो आपने सिंपल सा यही करना है, बेबी ऑयल लेना है, किसी भी ब्रांड का बेबी ऑयल ले लो, और जॉनसन्स बेबी का वैसे बेस्ट होता है, उसका ऑयल ले लो और एक ड्रॉप जो है ना अपनी फाउंडेशन में और कोई भी ब्रांड की स्टिक पड़ी है उसमें ऐड करना है, और इतना मजे की आपकी बेस बनेगी ना, ट्रस्ट मी, आपको जितने भी सारे फाउंडेशन से इश्यू है ना वो सारे आपके ना दूर हो जाएंगे, के जो ज्यादातर उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, और उनके लिए भी जिनको ये लगता है कि हमारी स्टिक एक्सपायर हो चुकी है, फिर फाउंडेशन खराब है, ब्लेंड नहीं होती, क्रैक पड़ जाते हैं, जल्दी उतर जाती है, तो इससे बहुत इजीली ब्लेंड होगी। बस आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, और ब्लेंड के बाद ना सेकेंड चीज जो मैं आपको बता दूं, उसके ऊपर जो है ना आपने, जैसे कि मेरे पास ये हुदा ब्यूटी का लूज पाउडर है, तो आपने इस तरीके से लूज पाउडर लेना है और जैसे ही आपने ब्लेंड करनी है ना अपनी फाउंडेशन, उसको फौरन ऐसे टैप टैप करके बिठाना है, उसको टैप टैप ऐसे लाजिम करना है। गर्मियों के लिए तो स्पेशली आपने जैसे ही ब्लेंडिंग की, फौरन ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी आपके पास है, जो भी लूज पाउडर आप यूज करते हो, वो आपने ऐसे फौरन अपनी फाउंडेशन को लॉक करना है, क्योंकि पसीने में गर्मी की वजह से आपकी जो बेस है वो ना बह जाए और वो पसीने में ही ना मिक्स हो जाए। तो पहले इसको ड्राई करना है, जैसे फाउंडेशन आपने ब्लेंड किया उसके बाद फौरन पाउडर से उसे ड्राई किया। अच्छा, दूसरी बात जो है ना मेरे पास ये है जेल, आईब्रोज का जेल, जिससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल करती हूँ। एक सेकेंड, ये रहा मेरा आईब्रोज का ब्रश और ये है एलेगल का जेल आईलाइनर है, इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल करती हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, कि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास ये है लेकिन इसको ना लगाने का तरीका नहीं पता, क्योंकि इसको जैसे ही आप खरीदोगे ना, ये कुछ ही दिनों बाद, एक दो दफा यूज करने के बाद, तीन से चार दफा यूज करने के बाद ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम फौरन इसको नया नया लेते हैं ना, जब मैंने भी इसको न्यू लिया था और इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी थी, जब मैं इसको अप्लाई करती थी इतना मजे का लगता था, लेकिन तीन से चार दफा, इससे ज्यादा नहीं, तीन से चार दफा यूज करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना मुझे लगा शायद ये खराब हो गया, इस वजह से अब ये वर्क नहीं करता। और ऐसे जब मैं इसको लगाती हूँ तो ये इतना लगता भी नहीं है, इतना नहीं लगता। लेकिन मैं इसमें क्या करती हूँ, इसमें भी मैंने यही किया हुआ कि इसमें हमने ऐसे सीरम का एक ड्रॉप लिया और ऐसे इतना सा ऐड कर लिया, बस इतना सा हमने सीरम का एक ड्रॉप ऐड करना है और इसको इसको मिक्स करना है। अब देखिए, अब आप जैसे भी अपनी आईब्रोज को शेप दोगे ना, ये देखो
जितना भी बारीकी से शेप दोगे ना वैसे आएगी। तो इस तरीके से ये देखिए कितना पिगमेंटेशन लग रहा है, इससे पहले भी मैंने आपको लगा कर दिखाया है जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो ये तो मैंने ऐसे लाइटली सा लगाया, जब आपको मेकअप करना हो ना तो ये ट्रिक है, ऐसे करना है और सिंपल सा है कि यही आपने अपनी आईब्रोज को इस तरीके से फिल करना है। आपके पास कोई भी जेल आईलाइनर है किसी भी, मतलब कि आपके पास जेल आईलाइनर दूसरा ब्लैक वाला भी है वो भी काम नहीं कर रहा, उसमें भी आप बेबी ऑयल डालकर लगा के देखना, ट्रिक ये आपकी बहुत मजे की काम करेगी, ठीक है। और हाँ दूसरी बात, जब हमारी लिपस्टिक ड्राई हो जाती है, लिपस्टिक जैसे कि मेरे पास ये रिवाज की लिपस्टिक है और उसका शेड मुझे बहुत मजे का लगता है, अभी मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये ना मुझे ऐसे लगाते हुए ना बहुत ड्राई लगती है, ये देखें। लिप्स जो है ना ऊपर से, ये देख रहे हैं आप, मुझे पसीना देखें कितना आ गया है। तो लिप्स देखें कि यहां पर ना फटे फटे से लग रहे हैं, ये देखें। अभी मैं इसको ना इसी सीरम के साथ लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले लिप्स पे कुछ भी नहीं अप्लाई करना, इस तरीके से हल्का सा, ज्यादा नहीं हल्का सा, ये क्या। अब जो है ना लिप्स जो है ना बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हमने इसके ऊपर ये लिपस्टिक अप्लाई करनी है, चाहे जितनी भी आपकी लिपस्टिक कोई भी है ना ड्राई हुई हुई है ना, आपने यही करना है। तो यहां पर लिपस्टिक लग चुकी है, और ये ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो लिपस्टिक है आप लगाने के बाद आपकी लिपस्टिक जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बस आपके लिप्स को ना थोड़ा सॉफ्ट कर देती है, जो आपकी लिपस्टिक है उसको सॉफ्ट कर देगी, फ्लॉलेस लगेगी। जैसे आपकी बेस फ्लॉलेस लगती है, जैसे आपकी स्टिक ड्राई हुई होती है, उस तरीके से हमारी लिपस्टिक भी ड्राई हो जाती है, जैसे पड़े पड़े या फिर बहुत दफा लगा लगा के खोलते हैं, जितना उसके अंदर एयर जाएगी तो वो उतना ड्राई होती जाएगी। तो ये भी एक ट्रिक थी, तो बस यही थी। इसके अलावा और कोई नहीं है, अगर कोई मुझे मिल गई तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी फिलहाल यही है, और अभी मैं अपना फैन ऑन करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, और अगर मैं पंखा चलाती हूँ तो बहुत ज्यादा शोर होगा और आपको मेरी आवाज इतना ज्यादा साफ सुनाई नहीं देगी, क्लियर सुनाई नहीं देगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और हेल्पफुल रहे तो लाजिम लाइक जरूर करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसे न्यू टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, बाय।